हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो मैंने भी बनाई हो गई है, तो बस इसको लेकर मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि जब भी उठती है फिर थोड़ी देर तो बॉडी में रहती ही रहती है। देखो सुनिए, फिर जाग रही है, जाग रही है ना, और फिर देखते हैं। और हाँ गाइस, आज हमारी भाभी भी आने वाली है, हमारा हारून भी आने वाला है। तो चलिए गाइस, अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गैस ये खाना खा के बस सोती रहती है, सोती रहती है, सोती रहती है। ये भी हमारी तरह ही है, हमें भी खाना खाने के बाद आलस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। ऐसे इनको भी है, खाना खाने के बाद इनको भी बहुत आलस आता है। सो रही है, जाग रही है, सो रही है, जाग रही है, ऐसे ही हो रहा है इसके साथ में। तो गैस हमारे सिलेंडर्स को देख करके बहुत कॉमेंट आया था एक बार कि इतने सारे सिलेंडर हैं तुम्हारे पास, पूरा गोडाउन लगता है, एजेंसी लगती है सिलेंडरों की। तो जी हाँ, अभी तो इतने ही है, किचन में लगे हैं और ऊपर भी रखे हैं सिलेंडर, तो बहुत सारे सिलेंडर हैं हमारे पास। हाय हारून आ गए हैं। हारून नहीं, ये क्या कर रही है? बेबी, बेबी को खिलाओ, खिलाओ बेबी। तो गाइस फाइनली आज भाभी आ गई हैं, हारून आ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब वो आई थी ना, तो उस टाइम पे मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया उनका आया हुआ। तो बस अभी जो है मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मम्मी यहाँ पर अपने पोते को खिला रही हैं। भाई बहुत टाइम के बाद दिखा है, वो घर पर आया है हमारे, तो बस अभी उसको सब लोग खिलाने में लगे हुए हैं। जब भी घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो ऐसा ही लगता है कि बस उसको खिलाते रहो सब लोग और प्यार करते रहो। तो अभी तो फ़िलहाल पापा गए हैं ड्यूटी, तो पापा भी आएंगे तब आप लोग देखना आगे कि पापा कितनी ज़्यादा मस्ती करते हैं इसके साथ, हारून के साथ। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे उसको। तो गाइस अभी तो मैं उसके साथ में खेल रही हूँ, और फिर उसके बाद मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट के लिए। और मैं क्यों जा रही हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी, कि ईद मिलादुन्नबी है, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है मुझे। तो यहाँ पर देखो मस्जिदें वगैरह सब सज गई हैं, सभी घर सज गए हैं। तो यहाँ पर हमारे रिश्तेदार के यहाँ, तो मम्मी यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। तो मम्मी यहाँ पर जो है ना, दवा लेने के लिए आए हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। तो गाइस डॉक्टर को तो दिखा लिया है, एक्सरे की बोला है उन्होंने, तो मम्मी का एक्सरे कराने के लिए लेकर के जा रही हूँ। यादव पैथोलॉजी, यहाँ पे ये दो एक्सरे उन्होंने लिखे हैं, तभी जाके पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो गाइस एक्सरे हो गया है, लेकिन अभी हमें मिला नहीं, तो थोड़ी देर में हम लोग को मिल भी जाएगा। और यहाँ पर बैठी है मम्मी, मम्मी हमारी थोड़ी देर भी अगर लेट के ना सीधे पैर करके, तो उनका पैर सो जाता है, सन्न हो जाता है। तो अभी वो थोड़ी देर लेट ही ना एक्सरे के लए, तो ऐसे सन्न हो गया है पैर, तो अभी यहाँ पर बैठ। पैरों को ऐसे फैलाना, बंद करना, ऐसे करते रहना पड़ता है, तब जाके ठीक रहता है वो, वरना तो सीधा सीधा अगर करे रहो ना। कीड़े कितने सारे आ रहे हैं, तो वो सो जाता है। तो डॉक्टर को तो दिखा लिया है, अब मेडिकल से दवा भी ले लेते हैं। तो 10 दिन की उन्होंने दवा लिखी है, फिर उसके बाद देखते हैं मम्मी को फ़र्क लगता है या नहीं। और यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे पेट शॉप पर, हम लोग कुछ दवाई वगैरह लेनी थी कैट के लिए, तो यहाँ से बोली, फिर उसके बाद घर पर। यहाँ पर ये पी रही फ्रूटी अपने, इनको फ्रूटी बहुत पसंद है। नीचे नहीं गिराओ बेटा, दोबारा डालो। ओ पूरा चट्टी उतर गई इसकी, नीचे उतार दिया तो रोल लगाओ। तो गाइस अभी खाना पीना खा लिया, मार्केट से आए हुए, थोड़ी देर हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने नए घर पे, देखने के लिए कि लॉक वॉक अच्छे से लगाए कि नहीं, क्योंकि ना ये गए हैं
बाहर, मैंने बताया ना आप लोग कहाँ गई हैं, और जो हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे थे ना वर्कर्स वगैरह, तो वही घर की जो है की लेकर के गए हुए थे, तो उन्होंने अच्छे से ताला वाला लगाया है या नहीं वो देखने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, साथ में जा रहे हैं जैकी भाई, चलो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गई अपने नए घर पे, और बस देखने के लिए कि लॉक वॉक अच्छे से लगाए। कितना बड़ा मेंढक आ गया यार, देख बाहर सामने से, बहुत सामने बहुत बड़ा मेंढक है। हाँ भगा दो उसको वहीं की वहीं। हाँ उधर करो, बहुत बड़ा है गाइस सच में यार, इतने बड़े बड़े मेंढक यहाँ आ जा रहे हैं यार। जाएगी भाई उसको भगाने के लिए गए हैं, तो हल्की सी झलक मैंने आप लोगों को दिखा दी है। कोई ना कहीं, अरे गया गया, क्यों इतने मोटे मोटे अभी ऐसे आ जाया करेंगे यार। लो लगाओ लॉक लगाओ। तो गाइस अभी मैं आ गई घर पे और सब चेक वेक कर रही हूँ मैं, क्योंकि चेक करना ज़रूरी रहता है। तो बस अभी गई थी मैं और फटाफट से आ भी गई, और देखो मोबाइल की बैटरी भी जा रही है तो ये चार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस कल है मिलादुन्नबी, और बस उसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं, मार्केट भी गए हुए थे। और गाइस पता है मेरा सूट सिल करके आ गया है, तो वो मैं पहनूंगी कल, लेकिन दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने ना कौन सा सूट सिलवाया है और कैसा सिलवाया है। और सिंपल सा सिलवाया है, ऐसा कुछ खास नहीं। तो गाइस ये है मेरा सूट, बस इसके स्लीव्स देखो, ये कुछ इस टाइप से बनाई है उन्होंने ये, और इसके साथ में है ये प्लाजो पैंट। इसमें डिज़ाइन लगाने को बोला था लेकिन उन्होंने डिज़ाइन लगाना भूल गए, तो अभी ऐसा ही है। और ये है इसका दुपट्टा। कार्टून देखना है क्या देखना है, बार 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 चेंज करा रही है उसको। तो यहाँ पर मैं अपना ये बैंगल बॉक्स ले आई हूँ, तो अभी इसको देखते हैं इसमें कौन सी चूड़ियाँ हैं। लो ले लो, लो निकालो निकाल, लाल लाल वाली निकाल दो इसमें से। थोड़ी सी ये नहीं, सफेद नहीं, वो आसपास लगा ले। नहीं। तो गाइस यहाँ पर मम्मी लगा रही मेरे लिए सेट चूड़ियों का, ये देखो बहुत सिंपल सा और क्यूट सा सेट बन गया है ना। तो गाइज यहाँ पर हमारा सूट भी रेडी है, हमारी चूड़ियाँ भी रेडी हैं ये। सो गाइज कपड़े तो मेरे रेडी हो गए हैं, चूड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं, तो बस अब क्या है, अब थोड़ा सा घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, झालर वालर लगाते हैं कुछ इसमें, है ना। तो गाइज ये है झालरों का भंडार, जी हाँ। अब इसमें से मैं एक झालर निकाल लेती हूँ अपने रूम के लिए, अब देखती हूँ उसमें से कौन सी जल रही है, क्योंकि काफ़ी जो है ना बहुत टाइम की रखी हुई है, तो ऐसा रहता है कि नहीं ये थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो देखते हैं जल कौन सी रही है मुझे। लेकिन वाइट और ग्रीन लगाना है, वाइट और ग्रीन लगाना है, तो देखती हूँ मैं कितनी उलझी रखी है झालरें हैं, और बहुत उलझ गई हैं ये निकली है एक, इसको और इसको देखते हैं दोनों को जला के। सो गाइज यहाँ पर मैं वन बाई वन सारे ही झालरें चेक करती जा रही हूँ, तो ये दो तो ख़राब है, ये बिल्कुल नहीं चल रही, तो इनको मैं हटवा दूँगी फिर, और सारी चेक करती हूँ कौन सी नहीं चल रही, तो सब हटा ही दूँगी फिर मैं, ऐसे ढेर लगा के नहीं रखूँगी, झालर तो बहुत सारी रखी हैं।
तो गाइज यहाँ पर ये दो झालर मैं अपने रूम में लगाने के लिए ले आई हूँ, और यहाँ जब आकर देखा ना तो ये हाल था चूड़ियों का कुछ। क्यों? सो गाइज यहाँ पर लाइट्स लग गई हैं, ये देखो इधर भी मैंने फ्रेम बना दी है और इधर भी फ्रेम, और इसमें मेरी हेल्प की है बॉय भाई ने, क्योंकि पकड़ने में थोड़ा सा लगता है ना, टेप वेप लगाने में दो लोग चाहिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये फ्रेम बन चुकी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और यहाँ देखो ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। हुरन क्या कह रहा है ये? हुरन भाई क्या कह रहा है? गाइस हारून रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मा गई है नहाने के लिए, अभी पहले सो रहा था, सो के उठ गया है तो रो रहा है। गाइस मेरा रूम देखो कितना ज़्यादा फैला पड़ा है ना, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है। अभी तो खैर फिलहाल मैंने ये लगाए हैं तो टेप वेप, और ये बैंगल्स मैंने निकाले थे तो ना हुरैन ने क्या किया कि ये सारे बैंगल्स मिक्स कर दिया, हालांकि पूरा अंदर सेट बना हुआ था तो इसने ने पूरे बिखेर ना, देखो यार पूरे ये अब इसमें लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, फिर मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है मेरे कमरे का। तो गाइस बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी और फिर उसके बाद जो है और ये क्या कर रही है बेटा, सो गई थी अभी सोकर उठी है। और यहाँ पर देखो मेरे कपड़े भी डले हुए हैं फोल्ड करने के लिए, तो फिलहाल अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, कपड़े भी फोल्ड करके रखने हैं, और देखो टाइम कितना हो रहा है, 4:15 बज गए हैं और अभी तक मैंने वीडियो एडिट नहीं किया, तो वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा गाइस, ठीक है। अभी छीक आते आते रह गई, तो गाइस मैंने नहा लिया है और अपना नया सूट भी पहन लिया है, तो अभी तो फिलहाल मेरी यही सारी तैयारियां चली हैं। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि आगे की जो भी तैयारियां हैं वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और गाइस मेरा ना मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो अभी तो जो है ना मैं इंस्टेंट वाली लगाना चाह रही हूँ, वो रेड वाली जो मेहंदी भी कौन आती है वो जल्दी भी लग जाती है और जल्दी सूख भी जाती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल मिल नहीं रही है, दुकानें उठ चुकी हैं बंद, तो इसलिए जो है ना दोपहर के टाइम में हो जाती है, तो इसलिए मैं ना अब देखूँगी शाम को या रात में लगाऊँगी, है ना। और आप लोगों के यहाँ मिलाद उन नबी किस तरह से मनाई जाती है आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, हमारे यहाँ तो जो है इधर साइड बता रही हूँ मुरैना में, हमारे साइड में ऐसे होता है कोई कोई लोग ऐसे मिलाद करवा लेते हैं घर में मिलाद शरीफ, और बस वही खीर वगैरह पे फातिहा होती है, खीर बनती है शाम के टाइम में, और वही लाइट्स वगैरह वो कैंडल्स लगाई जाती हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग यहाँ कैसा क्या होता है मुझे बताना कमेंट करके, आप लोग मीठे में क्या बनाते हो, खीर ही बनते हैं या फिर कुछ और भी होता है? तो हमारे यहाँ हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो खीर ही बनते हैं और उस पर ही फातिहा होती है, तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो ना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग का एंड यहीं कर देते हैं, और आगे की जो भी सारी तैयारियां वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और यार भर भर के कमेंट किया करिए, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं सब लेकिन लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो वो भी कर दिया करो, ठीक है। और अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना बिल्कुल 007 ब्लॉग्स, इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी मुझे फॉलो कर लेना, हुरैन को भी फॉलो कर लेना, हुरैन अली 76 तो उसकी आईडी है ये। और चलिए फिर ना इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ, आगे आप लोगों को आगे के प्रिपरेशन दिखाऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।